सो हे गाइस, कैसा आप सभी लोग इस वीडियो में अच्छे रहेंगे। सो आज हम इस बात करने वाले कैसे आप लोग वेपन ग्लोरी का जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग वेपन ग्लोरी के अंदर जाओगे एंड इसके बाद जो लोकेशन होता है वहाँ पे जाओगे एंड इसके बाद इसको चेंज करने के लिए जाओगे तो आपको चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलते एंड यहाँ पे क्लिक करने से ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा आ जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो इसको आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो। गलती से अगर कुछ यहाँ पे आपका अलग स्टेट आ चुका है या फिर आप लोग कोई अलग स्टेट चूज करना चाहते हो जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम है, मतलब आपका यहाँ पे जो नाम है थोड़ा ऊपर आ जाए, ऐसे आप लोग चाहते हो तो कैसे आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, कैसे आप लोग अपने जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हो या फिर कैसे सही कर सकते हो, इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। बताओ एंड वेपन ग्लोरी आपको अगर नहीं पता है क्या चीज़ है, क्या होता है इससे, तो ये भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो वीडियो गाइस देखते हैं ना एंड तक। एंड अभी तक गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं करे अभी तक तो सब्सक्राइब भी करना, उसके बाद एक बेल आइकन को उसको भी दबाकर विजिट करना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। सबसे पहले तो गाइस बात करते हैं वेपन ग्लोरी क्या है और इससे क्या होता है, आपका फायदा क्या होने वाले है, तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है। तो वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, आपको कोई पैसे वगैरह नहीं देने वाले, फिर आपका पैसा नहीं देगा वेपन ग्लोरी में नाम लाने के लिए। लेकिन आप लोग लोगों को दिखा सकते हो कि ऐसे देखो मेरा नाम आ चुके, या फिर आप लोग किसी भी ग्रुप के अंदर जाओगे ना तो कुछ इस टाइप से करके आ जाते हैं। मतलब जो भी गन आप लोग लेके खेलते हो, जो भी गन से आप लोग ज्यादा खेलोगे उस पर अगर आपका रैंक आ जाएगा तो या फिर कुछ इस टाइप से करके दिखेगा, जैसे आप लोग देख सकते हो। एंड कोई भी गन का 100 तक लिस्ट आता है, यानी कि 100 तक आप लोग आ सकते हो, 100 के अंदर ही आपको आना पड़ेगा। फिर आपका जो नेम होता है उसके सामने ऐसे करके आ जाएगा, लोगो आ जाएगा एंड आपका प्रोफाइल के अंदर भी आ जाता है कुछ इस टाइप से करके, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग जो भी स्टेट से हो या फिर आपका वेपन ग्लोरी के अंदर जो भी स्टेट दिखा रहे हैं उस स्टेट से जो भी लोग गेम खेलते हैं, जो भी लोग फ्री फायर खेलते हैं, उनमें से जितने भी लोग कोई भी एक गन से ज्यादा खेलते हैं तो उनमें से टॉप 100 का एक लिस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे करके एक लिस्ट आ जाएगा एंड जो भी गन से आप लोग खेलना चाहते हो कोई भी गन का यहाँ पे लिस्ट आप लोग बना सकते हो। तो जो भी गन आप लोग ज्यादा खेलते हो, जिस भी गन से आप लोग ज़्यादा खेलते हो उस गन से आपको और भी ज़्यादा खेलना पड़ेगा एंड इसके बाद आप लोग टॉप 100 के अंदर आ सकते हो। एंड इसके बाद आपका जो प्रोफाइल होता है या फिर जो आपका नेम होता है इसके अंदर एक बैच लग जाएगा एंड आप लोग लोगों को दिखा सकते हो, मुझे कर सकते हो, अभी मजा आएगा ना। तो कुछ सही है यहाँ पे वेपन ग्लोरी एंड ये चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे वेपन के अंदर। आपको यहाँ पे क्लिक करने, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है मस्टरी करके, जैसे आप लोग देख सकते हो। आपको इस पर क्लिक करने फिर से एंड इसके बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करने, यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाता है वेपन ग्लोरी का सारे ऑप्शन, जैसे आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे गन का ऑप्शन मिलेगा, जो भी गन आप लोग चूज करना चाहते हो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब जितनी भी सारी गन है फ्री फायर के अंदर सारे गन का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको बस यहाँ पे क्लिक करने, सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने किस टाइप का गन आप लोग चूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत से आपको मिलेगा, जैसे सब मशीन गन, उसके बाद पिस्टल, उसके बाद स्नाइपर, उसके बाद मशीन गन, मतलब अलग अलग गन का यहाँ पे कैटेगरी है। तो आपको कैटेगरी पहले सिलेक्ट करने एंड उसके बाद जो भी आप लोग सिलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे मैं शॉटगन सिलेक्ट करता हूँ एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे गन सिलेक्ट करने का। तो शॉटगन में जितनी सारी गन रहेगा ना, शॉटगन का मतलब जो यहाँ पे शॉटगन का एमओ का जो भी गन रहता है सारे गन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी गन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो M8087 है तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया एंड देख सकते हो कितने सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना सारे लोग वेस्ट बंगाल का टॉप 100 के अंदर आ चुके हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो सबका यहाँ पे आप लोग लिस्ट देख सकते हो एंड मैं कौन से स्टेट से हूँ यहाँ पे देख सकते हो, वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे आपका जो लोकेशन है ऊपर में आप लोग देख पाओगे एंड यहाँ पे आप लोग क्लिक करके इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग इंडिया सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे आप लोग क्लिक करना एंड इसके बाद इंडिया सिलेक्ट करना है। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आप लोग पूरा इंडिया का देख सकते हो, इंडिया के अंदर टॉप में कौन है ये भी आप लोग इधर से देख सकते हो। क्या बात है। तो मैं अभी अपने वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करता हूँ। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे जो अपना स्टेट होता है ना उस स्टेट के अंदर जो भी लोग ज्यादा खेलेगा, कोई भी एक गन से अगर कोई भी लोग बहुत ज्यादा खेलेगा तो टॉप 100 के अंदर आ जाएगा, फिर उनका सामने यहाँ पे नेम वगैरह आ जाएगा। ऐसे कुछ फायदा है एंड क्या चीज़ है वेपन ग्लोरी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अभी बात करते हैं लोकेशन आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे दिक्कत आ रहा है कि यहाँ पे जब भी यहाँ पे वेपन ग्लोरी के अंदर जाते हैं ना, यहाँ पे देखिए मेरा वेस्ट बंगाल आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का खुद का स्टेट नहीं आता है। बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल से लेकिन दूसरा कोई स्टेट आ रहा है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा भी कि जब भी ये वाला सिस्टम आता है ना वेपन ग्लोरी का तो उस टाइम पे जो स्टेट है वो गलत सेलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे मतलब कि स्टेट वगैरह अलग आ चुके हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अपने स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि सब कुछ सही है एकदम, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ स्टेट वगैरह एकदम सही है, लेकिन स्टेट चेंज करना चाहते हैं। कोई छोटा स्टेट या फिर कोई मतलब ऐसे स्टेट के अंदर जाना चाहते हैं जहाँ पे थोड़ा लोग वगैरह काम है या फिर ज़्यादा वेपन ग्लोरी के अंदर लोग ध्यान नहीं देते। तो ऐसे स्टेट के अंदर जाओगे तो आप लोगों का जो नेम है वो ऊपर आ जाएगा, फिर आप लोग यहाँ पे लोगों को दिखा सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी स्टेट वगैरह चेंज करना चाहते हैं। तो अभी अगर उनमें से हो आप लोग अपना स्टेट को चेंज करना चाहते हो लेकिन चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे चेंज कर सकते हो चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको वेपन में जाना है, वेपन ग्लोरी के अंदर जाना है। इसके लिए आपको क्या करना है तो मैंने अब दिखा दिया एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लोकेशन का, जैसे आप लोग देख सकते हो। आपको लोकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे एंड उसके बाद इस तरह से क्या आ जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो वेपन ग्लोरी लोकेशन के आ रहे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे चेंज करने का, लेकिन यहाँ पे पे विजिबल नहीं है, जैसे आप लोग देख सकते हो इनविजिबल, मतलब कुछ यहाँ पे हाइड हो चुके हैं जैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं एंड यहाँ पे लिखा है देख सकते हो मंडे को यहाँ पे ऑप्शन खोलेगा, बट नहीं खोला जैसे आप लोग देख सकते हो। अभी मंडे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देख सकते ऊपर में, यहाँ पे अभी मंडे, मंडे को यहाँ पे ऑप्शन आना था, मतलब यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आना था बट नहीं आया जैसे आप लोग देख सकते हो। तो बात आते हैं आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जब भी आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे चेंज करने के लिए क्लिक करोगे तो ऊपर में देखते हो कुछ लिखा आता है एंड यहाँ पे लिखा है योर लोकेशन हैज बी ऑटोमेटिकली सेट, मतलब आपका जो लोकेशन है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड अगर यहाँ पे आपका स्टेट गलत सेट हुआ है, अगर आपका स्टेट ए नहीं है दूसरा कोई स्टेट के अंदर आप लोग रहे तो लेकिन गलत सेट हुआ है, तो आपका जो लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात। तो टेंशन मतलब आपका जो लोकेशन है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है एंड कुछ भी करने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कन्फर्म करने का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना एंड इसके बाद और कुछ आपको नहीं करने। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कट करने। अगर आप लोग खुद से चेंज करना चाहते हो, कोई अलग स्टेट के अंदर आप लोग जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग में जाने एंड इसके बाद यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का जो ऑप्शन आपको मिलेगा ना नीचे, आपको कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक करने। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से करके आ जाएगा जैसे आप लोग देख सकते हो। तो थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है एंड इसके बाद गाइस देख सकते हो आ चुके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट रिक्वेस्ट करके, आपके पे रिक्वेस्ट डालना है। तो रिक्वेस्ट क्या डालना है, आपका जो लोकेशन है उसको चेंज करना है, ऐसे आपको रिक्वेस्ट डालना है। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करने। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो 3 नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट रिलेटेड कंसर्न करके आ रहे हैं, तो आपको इस पर क्लिक करने। तो इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आ जाएगा और भी कुछ अभी ऑप्शन आ जाएगा, आपका जो यूआईडी है वो भी अभी आ जाएगा जैसे देख सकते हो। एंड इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट रिलेटेड कंसर्न करके, तो आपको इस पर क्लिक करनी। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर अदर अकाउंट हिस्ट्री का ऑप्शन देख रहे हो, इस पर आपको क्लिक करने। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको टिक करने एंड इसके बाद अभी यहाँ पे आपको लिखना है कि अपना जो यहाँ पे स्टेट है उसको आप लोग चेंज करना चाहते हो, तो ऐसे ही आपको कुछ लिखने। एंड इसके बाद नीचे आपको क्या करना है, ऐड फाइल पे क्लिक करने एंड इसके बाद आपका यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब कि यहाँ पे जो वेपन ग्लोरी होता है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद वहाँ पे डालना है। एंड इसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पे क्लिक करके आपको डाल देना। इसके बाद हो सकता है कि आपका जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा चेंज करने का, यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलते। एंड अगर आपका कोई गलत हुआ है यहाँ पे, मतलब आप लोग कोई स्टेट के अंदर हो लेकिन कोई स्टेट आपका दिखा रहा है, दूसरा कोई स्टेट दिखा रहे, तो ऐसे है तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो जो मैंने आपको दिखाया। हाँ, इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ यही था सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो इतना ही था, इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, उसके बाद एक बेल आइकन है उसको भी दबाकर प्रेस कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।